मुदंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति अब आवाज थोड़ी कम करो भाई दुनिया के सभी संतों गुरुजनों का एक स्वर से यह कहना है और धर्मग्रंथों में धर्मशास्त्रों में अनेक ढंग से यह बात लिखी है कि अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों का जब उदय होता है तब मानव जीवन की प्राप्ति होती है मनुष्य का शरीर मिलता है और यदि यह बात सच है तो हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है मनुष्य शरीर पाने के लिए हमें कुछ करना तो नहीं पड़ा है पिछले जन्मों में हमने क्या किया था किया था कैसा किया था कब किया था यह तो पता नहीं है इस जीवन में शरीर को पाने के लिए था, हमने कुछ नहीं किया फिर भी मैं मनुष्य शरीर मिला है और हम सब सौभाग्यशाली हैं परंतु प्रश्न यह है क्या इस सौभाग्य का हम सही उपयोग कर पा रहे हैं कहा यह जाता है मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है किस जीवन में हम कर्म करते हैं और ये मनुष्य जीवन को स्वर्ग और मोक्ष पाने का साधन बताया गया है यदि इस जीवन में धर्म पुण्य परोपकार के काम करते हैं तो मरने पर स्वर्ग मिलेगा और यदि पूर्ण ज्ञान वैराग्य की साधना में चलते हैं साधना में जीवन व्यतीत करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होगी आवागमन चक्र से छुटकारा मिल जाएगा ठीक हमें यह मानव जीवन मिला है क्या इस जीवन को पाकर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं न मुक्त हो सके तो फिर से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो क्या विश्वास है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं जीवन जीने की जो मेरी शैली है जो रास्ता जो मैंने चुना है इस सब के फल में मुझे फिर से मनुष्य जीवन की प्राप्ति ही होगी यदि इतना भी विश्वास है ना, तो समझना होगा कि मनुष्य जीवन जो सौभाग्य से मिला है हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं और एक नए सौभाग्य बनाने का काम कर रहे हैं और यदि ऐसा विश्वास नहीं है स्वर्ग जाने की बातों छोड़ो कल्याण मोक्ष की बात ही छोड़े फिर से मुझ जीवन मिल जाए ये विश्वास भी नहीं है तो समझने की बात है कि हम में कमी कहाँ है हम कहां चुप कर जा रहे हैं और ये तो मरने की बात की बात हुई है फिर से शरीर मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा ये जो वर्तमान जीवन है ये कब तक चलेगा ये तो बताया नहीं जा सकता जितना जीवन हमने जिया है उसके बारे में हमें पता है जब से हो संभाला तब से आज तक के बारे में पता है और हर आदमी अपने अपने ढंग से जीवन जी रहा है किसी भी आदमी से पूछो किसी भी आदमी से साधु हो गृहस्थ हो अनपढ़ हो विद्वान हो धनी हो गरीब हो किसी से भी पूछ करके देखें क्या आपके जीवन जीने का तरीका सही है या आप अपने जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं जो कर्म आप कर रहे हैं क्या वह कर्म उचित है तो प्राय हर व्यक्ति का उत्तर होगा कि हां जीवन को जैसा जीना चाहिए मैं वैसा ही जी रहा हूं जो मानव जीवन पाकर जो मैं कर्म करना चाहिए मैं वैसा ही कर्म कर रहा हूं और मेरे जीवन जीने की जो शैली है बहुत सुंदर है मैं मैं भला गलती कर सकता हूं मुझसे भी भला गलती होगी हर आदमी को उत्तर प्राय यही होगा और यदि ये उत्तर है तो बहुत बढ़िया है इतना विश्वास है इतना तो इससे सुंदर और क्या होगा परंत प्रश्न यह है मानव जीवन पाकर जैसा जीवन जीना चाहिए हम वैसा ही जी रहे हैं जैसे कर्म करना चाहिए हम वैसे ही कर्म कर रहे हैं हमारे जीवन जीने की शैली बहुत ही सुंदर है तो मन में दुख क्यों है क्यों दुखी है यार हम क्यों दुखी हैं हर आदमी को अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है क्योंकि तो जो आदमी सही कर्म करेगा जीवन जीने शैली सुंदर है वह आदमी तो दुखी नहीं हो सकता और जब हम काम जो काम जैसा करना चाहिए वैसा ही काम कर रहे हैं हमारी शैली सुंदर है तो परिवार में उलझे उलझे क्यों रह रहे हैं समाज में भी क्यों उलझे रहे हैं और सबसे बड़ी बात मन में उलझन क्यों है विवेकपूर्वक जो जीवन जिएगा सही ढंग से जीवन जिएगा वो उलझेगा तो नहीं कहीं भी उलझन है कहीं भी किसी भी बात को लेकर उलझन है तो समझना होगा कहीं ना कहीं से हम गलती कर रहे हैं हमसे गलत हो रहा है दूसरों ने हमें उलझा दिया दूसरों के कारण से हम उलझे हुए हैं ये बात सच नहीं है दूसरे लोग उलझन के कारण प्रस्तुत कर सकते हैं किंतु तो उलझना है या नहीं उलझना है दुखी होना है या नहीं होना है यह हमारे हाथ में है कोई हमारा काम बिगाड़ सकता है हमारी हानि कर सकता है हमारी चीजों को बिगाड़ सकता है हमारी निंदा बुराई कर सकता है हम अपमान कर सकता है गाली दे सकता है ये सब कुछ हो कर सकता है लेकिन इतने पर भी दुखी होना है या नहीं होना है उलझना है या नहीं उलझना है यह हम पर निर्भर करता है यदि हमारा मन व्यवस्थित है हमारा मन संतुलित है मन में निरंतर ज्ञान विवेक विचार की धारा प्रवाहित होती रहती है हम हमारा सोचना व्यवस्थित है तो हम दुखी नहीं हो सकते चाहे कोई कितना भी हमारा अपमान करे कितना भी बड़ा घाटा कर दे घाटा करेगा तो थोड़ी असुविधा हो सकती जीवन जीने में चीजें बिगड़ सकती है किंतु हम दुखी नहीं होंगे दुखी होते हैं तो कहीं ना कहीं भीतर कमजोरी है उसी कमजोरी को समझने के लिए ज्ञान विवेक विचार सत्संग भक्ति की आवश्यकता होती है परंतु सत्संग भक्ति भी कर रहे हैं ध्यान चिंतन भी करते हैं दूसरों को ज्ञान की बातें बताते हैं उपदेश भी देते हैं फिर भी हम उलझे हैं भीतर इसका मतलब हमारा सब कुछ बाहर बाहर चल रहा है हमारी शैली बढ़िया नहीं है जो हम दूसरों समझाते हैं वह समझाना हमारे अपने लिए नहीं है हम खुद को नहीं समझा पा रहे हैं दुनिया को तो केवल राय दी जा सकती है कौन किसको समझा पाया है समझना खुद को ही होता है तो यदि हमारा सब कुछ व्यवस्थित है हमारे कर्म व्यवस्थित है हमारा व्यवहार व्यवस्थित है हमारा चिंतन व्यवस्थित है हमारी शैली व्यवस्थित है तो भीतर मन में क्यों उलझन है परिवार में क्यों उलझन है और समाज में क्यों उलझन है हर आदमी को उत्तर यही होगा और होगा क्या है कि मैं सही ढंग से जीता हूँ सही कर्म कर सही सोचता हूँ दुनिया में हर आदमी सही कर रहा है सही जी रहा है सही सोच रहा है तो इतनी समस्याएं समाज में कहाँ आ गई चोरी हत्या विवेक व्यवचार भ्रष्टाचार हर आदमी शिकायत में उलझा रहा है हर आदमी शिकायत कर रहा है जमाना बहुत खराब आ गया जमाना बहुत खराब आ गया है क्या जमाने को बिगाड़ने के लिए खराब करने के लिए आकाश से या उतर उतर करके या पताल से फोड़ फोड़ करके कोई शैतान आ रहा है क्या इस जमाने को खराब कौन कर रहा है आदमी तो सब बढ़िया से कर काम कर रहे हैं हम लोग जित हम जितने भी आदमी सब बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं तो जमाना खराब आ गया है इस शिकायत क्यों तब तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब बढ़िया होता रहेगा सब सुंदर सुंदर होगा लेकिन गड़बड़ी तो है इसका मतलब यह है हमें अहंकार है अपनी समझदारी का अहंकार है अपने ज्ञान का अहंकार है हमें सत्संगी भगत साधु महात्मा होने का और अहंकार है हमें अच्छा सोचने का और हो रहा है सब गड़बड़ क्योंकि जब भीतर गड़बड़ी होती है तब तो गड़बड़ी बाहर आती है भीतर गड़बड़ी नहीं है तो बाहर गड़बड़ी नहीं होगी जब तक हमारे भीतर में गड़बड़ी नहीं होगी तो बाहर हम गड़बड़ काम तो करेंगे ही नहीं भीतर दुखी भी नहीं होंगे कोई चिंता है मन में कोई तनाव है मन में और चिंता तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है तो समझना होगा गड़बड़ी बाहर नहीं है गड़बड़ी भीतर है और इसको समझने के लिए हम काम ही नहीं कर रहे हैं भजन क्या है सत्संग भी क्या है ध्यान चिंतन भी क्या है अपने भीतर की गड़बड़ी को दूर करना और यदि भजन भी कर रहे हैं सत्संग भी कर रहे हैं ध्यान चिंतन भी कर रहे हैं भीतर गड़बड़ी दूर नहीं हो रही है मन दुखी बना हुआ है उदास है हर समय जीने का भी मन नहीं करता तो इसका मतलब है हमारा सब कुछ बाहर बाहर ऊपर ऊपर चल रहा है भीतर प्रवेश नहीं हो पा रहा है और बातें जब तक भीतर प्रवेश नहीं करेगी और प्रवेश करने के साथ साथ जो कहते सुनते पढ़ते हैं उनका जीवन में प्रयोग नहीं होगा तब तक हमारा दुखी होना उलझना दूर नहीं हो पाएगा हर आदमी दूसरे को उपदेश देने में बड़ा माहिर है हम बैठे यहां पर माइक है सामने उपदेश दे रहे हैं समझा रहे हैं लोगों को और हम कहते हैं अरे हमने आज को तो इतना बढ़िया प्रवचन किया क्या किसी ने कह दिया साहब आज आपका प्रवचन ना इतना सुंदर था कि मन प्रसन्न हो गया बस अहंकार थोड़ा बढ़ गया और हम भीतर में दुखी बढ़े हुए हैं ये हमारा सुंदर प्रवचन करना ये काम नहीं आएगा काम आएगा सुंदर जीवन जीना और सुंदर सोचना यदि सुंदर सोचना होगा तो जीवन जीना तो अपने आप से ही हो पाए हो जाएगा मूल तो मन है ना मन सही है तो सब सही है सदगुरु कबीर ने कहा है एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए जैसा सिंची मूल को फूले फले अघाए एक मन को ठीक कर लो तो सारी साधनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी और सबको व्यवस्थित सबको व्यवस्थित करो शरीर को व्यवस्थित करो परिवार को व्यवस्थित करो मकान दुकान को व्यवस्थित करो खेत खलिहान व्यवस्थित करो और मन पर ध्यान न दो तो सबको व्यवस्थित करना बेकार हो जाएगा यद्यपि शरीर के लिए भी व्यवस्था करना है परिवार के लिए व्यवस्था करना है खेत खलिहान के लिए व्यवस्था करना है दुकान आदि है उस सब के लिए व्यवस्था करना है सब व्यवस्था करना होगा लेकिन क्यों सुख से जीने के लिए और वही नहीं हो पा रहा है क्योंकि मूल गड़बड़ है मन सदगुरु उदाहरण देते हैं जैसे शीशे मूल को फूले फले आघाए जब किसी पेड़ की जड़ पर खाद पानी दिया जाता है तो जड़ में खाद पानी पाने से पेड़ में पेड़ हरा भरा होता है समय से फूल आते हैं फल आते हैं और पेड़ की सेवा करने वाले को और साथ साथ दूसरों को भी खाने को फल मिलते हैं पेड़ की जड़ में खाद पानी ना दो ऊपर ऊपर डाली डाली में सब बांध दो तो एक दिन तो पेड़ ही सूख जाएगा साहब कहते हैं ऐसी जड़ है हमारा मन उस मन को व्यवस्थित कर ले एक मन व्यवस्थित हुआ तो पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं कुछ भी करें अभी मैं बोल भी रहा हूं तो हमारा मन काम कर रहा है आप सुन रहे हैं तो आपका मन काम कर रहा है बिना सोचे में बोल नहीं पाता बिना मन के कागजिए आप सुन नहीं पाएंगे हर काम के में मूल मन है हम जो कुछ भी करते हैं सोच करके करते हैं सोचना गलत होता है तो हमारी बात गलत होती है कर्म गलत होते हैं व्यवहार गलत होता है सब कुछ गलत हो जाता है और भीतर उलझन बाहर उलझन सुंदर जीवन तो मिला हम लोग इस सुंदर जीवन को असुंदर बनाते चले गए कुरूप बनाते चले गए और कहते हैं भगवान ने हमारी तकदीर खराब कर दिया अमुक ने हमें दुख दे दिया न भगवान दोषी है न शैतान दोषी है न कोई दूसरा दोषी है दोषी है हैं हम और जब तक ये स्वीकृति नहीं होगी कि मेरे दुख का कारण मेरी चिंता मेरे तनाव मेरी उलझन का कारण मैं स्वयं हूं मेरी गलत सोच है तब तक आगे प्रगति नहीं हो सकती सुधार का रास्ता बंद मुझ में गलतियां हैं और उन गलतियों का कारण मैं स्वयं हूं ये भाव सुधार का पहला कदम है गलती सुधारने का पहला कदम है गलती की स्वीकृति हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम गलत हैं तो सुधारें क्या फिर इसलिए लोगों को राय देना भी होता है लोग पूछते भी हैं राज देना होता है सत्संग आयोजन हो रहा है तो सुनने के लिए आए तो सुनाना होता है कोई हो जो ऊपर बैठे हैं नीचे बैठे हैं सफेद में कपड़े में रंगीन कपड़े में कोई कहीं रहता हो उम्र कुछ भी हो ये तो ऊपर ऊपर की बात है सोचना सबको है कि बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिला और ऋषियों ने संतों ने इतनी महिमा इस जीवन की गई क्या इसका मैं सही उपयोग कर पा रहा हूं फिर से नया सौभाग्य बना रहा हूं और क्या इस जीवन को मैं सही ढंग से जी रहा हूं सोचें और जहां जहां गलतियां समझ में आ जाए दूसरे की नहीं अपनी उन गलतियों को तो छोड़ने के लिए संकल्प करते चले जाएंगे संकल्प करते चले जाएंगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे यदि हम अपनी गलतियों सुधार करते जाएंगे तो सारी गलतियां ठीक हो, गल... हो जाएंगी और गलत ठीक क्या हो जाएगी गलतियों का त्याग हो जाएगा और जिसने ग... जिसके जीवन की गलतियों का त्याग हो गया सही अर्थों में मानव जीवन का पाना उसी का सार्थक हुआ वो आज सुखी है आगे भी सुखी होगा और अपने संपर्क व्यवहार से वो दूसरों को भी सुखी बना सकता है और ऐसा काम करना हर आदमी के बस में हर आदमी ऐसे काम करने में सक्षम है इसी के लिए सत्संग आयोजन होता है कि हमें एक एक प्रेरणा मिले एक रास्ता मिले और अपनी गलतियों को सुधार करके हम सही जीवन जी सकें सत्संग को परिवर्तन स्थल कहा गया है तो परिवर्तन स्वभाव का चिंतन का कर्म का एक मन सुधरा चिंत विचार सुधरा तो सब कुछ सुधर जाएगा सोचे विचारें आज तक जो काम मैं जो काम कर रहा था जिस रास्ते में मैं चलता रहा हूं उस रास्ते में चल करके आज मैं उलझ गया हूं दुखी हूं चिंतित हूं तो कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ी अब मुझे रास्ता बदलना होगा रास्ता बदल दे फिर ये पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा इसी जीवन में हम स्वर्ग का शांति का कल्याण का अनुभव कर सकेंगे ऐसा जो उन्होंने किया उसी को सब अतली सौभाग्य है बाकी सब खाते हैं पी रहे हैं कोई सौभाग्य की बात नहीं है इसलिए सुधार करने के लिए अपनी ओर झांकना होगा भीतर प्रवेश करना होगा अब भीतर प्रवेश करके जो जो कमियां हैं गंदगियां हैं उन्हें निकाल करके दूर करते रहना होगा सत्संग करने का भजन करने का यही मतलब है समय पूरा हो गया है इस समय मानी को विराम कर देता हूँ राह